तो फ्रेंड, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ ना सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वीएलसी में किसी वीडियो में किसी पर्टिकुलर फ्रेम का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने समुद्र की लहरें दिखाई पड़ रही हैं आपको। अब अगर मुझे इसका स्नैपशॉट लेना है किसी पर्टिकुलर फ्रेम का, तो देखिए मेरा कर्सर एकदम बीच में स्क्रीन में है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो कई सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। यहाँ पर जाना है हमें वीडियो में और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा स्नैपशॉट। जब आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर फ्रेम की पिक्चर यानी कि स्नैपशॉट खिंच जाएगा। ठीक है, और वो जा करके वहाँ गैलरी में सेव हो जाएगा, गैलरी में जो भी पिक्चर का फोल्डर होगा। अभी हम देखेंगे कि उसको हम डेस्कटॉप पे कैसे सेव करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी स्नैपशॉट आप लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके मनचाहे फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन यहाँ से है कि आप वीडियो में जा करके मतलब बीच स्क्रीन से यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कैमरे का ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए कैमरे का ऑप्शन है यहाँ पर। जब आप कर्सर ले जाएंगे तो देखिए नीचे लिख के आ रहा है टेक अ स्नैपशॉट, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रेम की आप पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाइए वीडियो वाले ऑप्शन में। ऊपर देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये देखिए वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ पर जाएंगे नीचे तो यहाँ भी देखिए स्नैपशॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी क्लिक करके आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे अपने मनचाहे फोल्डर में। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं VLC के नाम से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं VLC। ठीक है, ये देखिए ये मैंने VLC नाम रख दिया। अब वापस चलते हैं VLC मीडिया प्लेयर पर। अब उसके लिए आपको जाना है टूल पर। टूल में आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा प्रीफ्रेंस का। ठीक है, प्रीफ्रेंस में आपको जाना है वीडियो पर। देखिए ऊपर कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वीडियो स्नैपशॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए वीडियो स्नैपशॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। डायरेक्टिव पूछ रहा है, मतलब ये डेस्टिनेशन सोर्स पूछ रहा है कि कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो बगल में ब्राउज़र है, ब्राउज़र पर आप क्लिक करिए और उस फोल्डर की डेस्टिनेशन दे दीजिए जहाँ पर आप चाहते हैं आपका ये वीडियो सेव हो। तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं और VLC जो हमने फोल्डर बनाया था इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। अब जब आपने सेलेक्ट फोल्डर कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा C/user/HP/desktop/VLC, यानी कि VLC का ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसको सेव करना है, सेव करना मत भूलिएगा नहीं तो फिर वो मतलब वहाँ पर सेव नहीं होगा। अब हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब चलिए एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो सिंपल हमने राइट क्लिक किया, वीडियो पर गए और यहाँ से स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया। ऊपर ये देखिए स्नैपशॉट बन करके आ गया। अब देखिएगा ये स्नैपशॉट उसी फोल्डर में सेव होगा जहाँ जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए VLC का फोल्डर है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका स्नैपशॉट आ गया। इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए पर्टिकुलर फ्रेम का स्नैपशॉट हमने यानी कि पिक्चर खींच करके आ गई।